हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज़ सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिनों आप सभी की एग्ज़ाम चल रही होंगी, इसलिए आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वहाँ से सम्मिश्र विश्लेषण में से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और प्रश्न को समझने की कोशिश करें और उसको खुद से भी सॉल्व करके देखें। अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसे समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से ये एक त्रिभुज की असमीका को हल करने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको आपको ध्यान से समझना है और हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें और खुद से भी करके देखें इसको। देखिए, यहाँ पर हमको प्रश्न में दिया हुआ है Z1 प्लस Z2 का मापांक ग्रेटर देन और इक्वल Z1 मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हों, Z1 और Z2 कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हों, तो Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर बराबर होगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने लगाया है। किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक का अगर वर्ग करते हैं तो वो सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो इस संख्या को लिखा हमने और इसके मापांक संयुग्मी को लिखा। अब हमको क्या करना है कि ये जो संयुग्मी का निशान है वो दोनों सम्मिश्र संख्याओं के साथ अलग अलग हो जाएगा। ये अलग अलग हो गया, अब हमने इनको गुणा कर लिया, तो यहाँ के दोनों पदों का इन दोनों पदों के साथ गुणा कर दिया। ये स्थिति आ गई हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये वाली। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पहली टर्म है, ये वाली जो पहली टर्म है, इसमें Z बार ये लिख रहा है यहाँ पर, Z बार वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये Z1 बार का वर्ग हो गया। इसी तरीके से ये लास्ट वाला जो पद है, इसमें Z2 और Z2 बार है तो ये Z2 बार के मॉड का वर्ग हो गया। यहाँ पर ये जो बीच के दो पद हैं Z1 Z2 बार और यहाँ पर है Z2 और Z1 बार, तो दोनों अलग अलग है। इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड नंबर की टर्म है इसको तो एज इट इज लिख दिया हमने, दूसरी वाली टर्म की जगह पर भी हमने ये ही लिखा है लेकिन उसके ऊपर बार लगा दिया। तो बार लगाने से क्या होगा कि जिस सम्मिश्र संख्या पे दो बार बार आ गया उसमें से तो बार कैंसिल हो जाता है, यानी कि Z2 बिना बार वाला हो गया और Z1 के ऊपर एक बार बार है तो ये इसी वाली संख्या के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं कैसी हो गई, एक जैसी हो गई, लेकिन एक सम्मिश्र संख्या है, दूसरा उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बन गई। अब यहाँ पर हम ये एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि अगर Z=X+iy है तो Z̅(X-iy) होगा और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स है। देखिए, यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पर ये एक्स है। ठीक है, अगर हम इस संयुग्मी संख्या और सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने से क्या होगा, काल्पनिक भाग कट जाएगा, एक्स और एक्स 2x आ जाएगा। तो x क्या है, यहां पर रियल पार्ट ऑफ z, तो x की जगह पर लिख दिया रियल पार्ट ऑफ z। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से यह मालूम चलता है कि जिन सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 2 रियल पार्ट ऑफ z यानी वो सम्मिश्र संख्या आएगी। तो अब ऊपर जो हमने यहां पर ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन में क्या है, ये सम्मिश्र संख्या है और दूसरा पद है इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है, तो रियल पार्ट इसका कहलाएगा ये Z1 × Z2 बार का। तो हमने देखिए यहां पर ये लिख लिया मॉड Z2 प्लस ये लास्ट वाला टर्म पहले लिख दिया हमने मॉड Z2 2, और ये दोनों पद मिलकर के ये वाला फॉर्मूला जब लगेगा तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z की जगह पर हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है Z की जगह पर डियर स्टूडेंट्स, ये वाली। तो ये 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, लेफ्ट साइड पे हमारे पास चल रहा है Z1 प्लस Z2 का वर्ग,
देखिए यहाँ पर ये इक्वल का निशान है। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली है, इक्वल का निशान है यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की टर्म बराबर है, इसलिए इक्वल का निशान लग रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये तीन पद प्लस में, पहला पद फिर दूसरा प्लस में और तीसरा भी प्लस में, यानी जैसे ये मान के चलिए कि हमारे पास 5 इक्वल टू 4 प्लस 1 लिख रहा है। अभी डियर स्टूडेंट्स ये दोनों बराबर है आपस में, लेकिन अगर मैं इस 5 को तो ऐसा ही रहने दूं और 4 प्लस 1 को 4 माइनस 1 कर दूं तो क्या होगा, तो 5 बराबर 3 हो जाएगा, जो कि गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वल के निशान को लेस देन में चेंज करना पड़ेगा। भाई यहां तक तो बराबर था लेकिन चिन्ह बदल दिया, तो चिन्ह बदलने से क्या होगा, दोनों के दोनों जो पक्ष है वो बराबर नहीं होंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे। तो हमने क्या करा यहां पर कि जो ये प्लस का साइन है, अभी तीनों प्लस के हैं जब तो इक्वल है, लेकिन हमने इस प्लस के साइन को माइनस में बदल दिया। तो माइनस में करने से क्या होगा कि ये वाली जो पूरी टोटल टर्म है अब वो लेफ्ट वाली टर्म से छोटी हो गई, अभी तो इक्वल है लेकिन साइन बदल दिया, जुड़ने की जगह संख्या घट गई, तो घट गई तो छोटी हो गई। तो हमने ये इक्वल के निशान को लेस देन और इक्वल में चेंज कर लिया राइट साइड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लस की जगह पर माइनस का निशान कर दिया तो ये लेस देन का निशान आ गया। फिर यहां पर हमारे पास ये एक फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या होता है, मॉड जेड ग्रेटर देन और इक्वल रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि अगर हम रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह पर मॉड जेड लिख देते हैं तो क्या होगा, तो जो मॉड वाला टर्म है ना वो ग्रेटर देन में आ जाता है। तो यहां पर ग्रेटर देन और लेस देन का निशान तो पहले से ही लग रहा है, अब तो हमको ये देखना है कि टू रियल पार्ट ऑफ जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम मॉड जेड लिख सकते हैं। तो जेड की जगह पर यहां क्या है, जेड वन जेड टू बार है, तो दो तो एज इट इज रह जाएगा, रियल पार्ट जेड वन जेड टू बार की जगह पर हम क्या लिख देंगे, मॉड जेड वन जेड टू बार। फिर यहां पर मापांक का हम फॉर्मूला लगा लेंगे कि दोनों के मापांक अलग अलग कर देते हैं, यहां पर ये दो फॉर्मूले हमने यहां पर लिख लिए। डियर स्टूडेंट्स देखिए जेड वन का माप, जेड का मापांक और संयुग्मी संख्या का मापांक बराबर होता है, दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल मापांक, गुणनफल पर मापांक लग रहा हो तो उन मापांकों को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूले हमने ऊपर लगाए, तो लेफ्ट साइड ऐसी की ऐसी हो गई, दोनों शुरू की टर्म ऐसी की ऐसी आ गई, वो जेड वन और जेड टू की जगह पर हमने इनको अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये लेफ्ट साइड ऐसी की ऐसी, ए का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये बी हो गया जेड टू बार, तो ये जेड वन माइनस जेड टू का बार हो गया। वर्गमूल ले लिया हमने इसका, तो वर्गमूल लेंगे तो इधर से भी अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा और इधर से भी स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास ये त्रिभुज की जो सर्व समीका है वो सिद्ध हो जाएगी इसी तरीके से। तो ऐसी चार सर्व समीका है जिसमें ये इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको ये समझाई है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ये सर्व समीका पहले डिटेल में समझा चुके हैं आप सभी को। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के पुराने वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के और इसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।